रवि की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। साहब दो गज सही, दो गज सही, दो गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। हाँ, प्रॉपर्टी। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज शाम 5 बजे आखिरी सांस ली। राहत इंदौरी को कोरोना की वजह से 9 अगस्त को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनका इंतकाल हृदय गति रुकने से हुई। अब से थोड़ी देर के बाद रात 9:30 बजे उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, लेकिन यादों में, जज्बातों में राहत साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, अलग हूं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हर दिल अजीज हिंदुस्तान के अजीमो शान शायर राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। रात की ही तो बात है जब उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोरोना का शक था, जांच हुई, पुष्टि भी कि कोरोना है। लेकिन 70 साल के उस जवान ने बेझिझक, बेफिक्री, लेकिन बादबी के साथ इस खबर को लोगों से साझा किया। हम ना होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खैरियत बताने वाले थे राहत इंदौरी साहब, लेकिन ठीक से कैफियत तक नहीं बता सके और दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, अपने जिंदा रहने तक उन्होंने अपनी शायरी से हिंदुस्तान की कैफियत जरूर बयां की। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत साहब मिजाज से क्रांतिकारी थे, लेकिन अल्फाज से अल्लाह। वो जिस महफिल में हो वहां सजा की बात भी मजा बन जाती थी। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। साहब मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। सिर्फ 17 साल की ही उम्र थी जब उन्होंने अपना पहला शेर पब्लिक को नजर किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना मुल्क हो या कोई दूसरा देश, हर जगह उनके दीवाने थे, हर जुबान पर उनके अफसाने थे। वो खुद ही अफसाना थे। आज तक की टीम पिछले इलेक्शन के दौरान उनके घर गई थी, तब उनके मिजाज ने हमारी टीम को भी अपना कायल बना लिया था। सभी के लिए यही कहूंगा कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। क्या बात है, क्या बात है जी। उर्दू शायरी में बड़ी कद्र थी राहत इंदौरी साहब की, लेकिन सबसे ज्यादा कायल जवान होती पीढ़ियां रही। जिंदगी की हर कहानी
बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। मानो हर दिल की कशमकश को वो अपनी आवाज में ढाल लेते थे। अफसोस कि उन्हीं के दिल की कशमकश का आखिरी वक्त इलाज न हो सका। दिल की बातें करने वाला ये पुरनूर शायर दिल के ही हाथों हार गया। वो चांद की बातें करते थे, वो तारों की बातें करते थे, आज चांद तारे भी रोए होंगे जब राहत इंदौरी साहब आखिरी नींद सोए होंगे। आज तक दिल राहत इंदौरी अपने खास अंदाज और शायरी के साथ कई बार आज तक के दर्शकों के सामने आए। साहित्य आज तक के मंच को गुलजार करते हुए उनकी शायरी ने हर बार समा बांधा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिल को झकझोर देने वाली उनकी ये शायरी। मैं जब मर जाऊं, तेरी आवाज आ रही ना, इसलिए कि मैंने माइक ऊपर कर लिया। जब मैं बात कर रहा था थोड़ा इधर था कि इसलिए मैं चाहता था कि ये बात जो है गैर जरूरी है, ज्यादातर लोग ना भी सुने तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं यस कर रहा था कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। कहता हूं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितनी कौमें जितनी जुबानें जितने धर्म जितनी बरादरियां यहाँ बसती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी जानें दे दी, उन सब का खून यहाँ शामिल है। ये किसी मुसलमान का शेर नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये राहत इंदौरी का शेर है किसी मुसलमान का अंदाज़। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी की ज़ुबान बोल रहा हूँ। खुलासा फरमा कह रहा हूँ कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। विविधता उनकी खासियत थी, चुटीला अंदाज उनकी काबिलियत। वो इशारों इशारों में ही बहुत कुछ कह जाते थे। कभी वो व्यवस्था को झकझोरते तो कभी धड़कते दिल की ख्वाहिशें उनकी जुबा पर आ जाती। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियाँ हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। साहब हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है।
मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्यों लिखा कि मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी रिहाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। ये मतलब जितनी दादी उससे ज्यादा अच्छा था। हमने खुद लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक लाइफ लाइन खो दिया आपने, लेकिन कोई बात नहीं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, मुझसे दुनिया ने मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। फिर एक शेर आ रहा है, शेर अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि जब मैं ये कहूँ कि शेर अच्छा है तो इसका मतलब ये कि शेर अच्छा है। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजे शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए। आपकी तमाम दादों के दरमियान कोई एक हल्की सी बहुत ही आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ कानों में आई, याद है भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह, वगैरह खुदा की कसम असली वही होती है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। ये साबित कीजिएगा कि आप एक अदबी प्रोग्राम में बैठे हैं, एक फेस्टिवल में बैठे हैं जिसे लिटरेरी फेस्टिवल नाम दिया गया है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते। अजीज़ इरफान साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, एक शेर आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई, शुक्रिया इसमें आई, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अब एक शेर आखिरी में पढ़कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। ये भी 3-4 बजे रात तक आपको मज़ा देगा ये मेरा शेर। और ये अकेले में याद करने का नहीं है शेर, ये अकेले में सोचने का है कि यार क्या कहा था, क्या हो रहा होगा यार, पता नहीं, ये वगैरह वगैरह। सुन लीजिएगा शेर और मुझे रुख्सत कर दीजिएगा। शम्स तबरेज़ साहब, आप क्राइम के आदमी हैं, तो आप इस पर और गौर करके कुछ देखिएगा कि यार इसका हल निकलना चाहिए कुछ, ये बड़ी तो गड़बड़ है। सुनिएगा, कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। शेर साहब ये है कि मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मैंने कहा कि ज़्यादा समझने का नहीं है, सोचने का है ये, वो अकेला सोचिएगा, 3-4 बजे रात तक बहुत मजा देगा ये। सुनिएगा,
कि कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की, मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की।